मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश में लगभग सभी विकास खंडों में शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी को लेकर गोगांव विकास खंड के शिक्षकों ने भी तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रैली स्वरूप तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मीराम इंगले ने हमारे संवाददाता को बताया कि आज प्रदेश के लगभग सभी विकास खंडों में शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जो काफी समय से लंबित है उनको लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने एक धरना रखा था और धरने के बाद रैली निकालकर प्रत्येक विकास खंड पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूरे 313 विकास खंडों में आज 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो बहुत लंबे समय से लंबित है उनको लेकर के मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने एक धरना रखा है और धरने के बाद रैली निकाल करके प्रत्येक विकास खंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन तहसीलदार महोदय के माध्यम से दिया है। सर आपका शुभ नाम? नहीं, आप बोलो ना, कौन सी मांगे सर? उसमें मुख्य मांगे कौन कौन सी है? इसमें मुख्य मांगों में सबसे पहली है हमारी पदनाम, जो 35-40 साल से एक ही पद पर शिक्षक काम कर रहे हैं उनको पदनाम दिया जाए, जो अनार्थिक है। दूसरी मांग है हमारा जो नवीन शिक्षक संवर्ग है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। और तीसरी हमारी मांग है हमारा HRA नहीं बढ़ा है और हमारा गुरुजी संवर्ग जो है वो लंबे समय से वरिष्ठता को लेकर के दुखी है, वरिष्ठता उनको नियुक्ति दिनांक से दी जाए। और हमारा जो नवीन शिक्षक संवर्ग है उसको 2006-7-8 में जो लोग लगे हैं उनको क्रमोन्नति नहीं मिली है, वो क्रमोन्नति मिले, इसको लेकर के हमने ये 3 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन और धरना दिया। सर आपका शुभ नाम? लक्ष्मीराम इंगले, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।